हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कूलिंग डॉर्स के बारे में। कूलिंग डॉर बेसिकली वाटर कूल कंडेंसर के साथ इस्तेमाल होते हैं। वाटर कूल कंडेंसर में दो पार्ट होते हैं, एक शेल साइड और दूसरा ट्यूब साइड। कंडेंसर के शेल साइड में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफरेंट होता है और ट्यूब साइड में ठंडा पानी होता है। ट्यूब का पानी शेल के हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफरेंट से गर्मी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिससे कि ट्यूब का पानी गर्म हो जाता है। कूलिंग टावर इस पानी को ठंडा करने का काम करते हैं। कंडेंसर से निकला हुआ गर्म पानी कूलिंग टावर इनलेट से हेडर्स में आता है। हेडर के आगे स्प्रे नोजल लगी होती है, स्प्रे नोजल से पानी स्प्रे हो जाता है। पानी को स्प्रे करने से पानी का सरफेस एरिया बढ़ता है, जिससे हवा और पानी का कॉन्टैक्ट अच्छी तरीके से होके इवेपरेशन अच्छा होता है। बाद में पानी आता है पीवीसी फिलिंग्स के ऊपर। पीवीसी फिलिंग्स मधुमक्खी की छत्ते की तरह होती है और ऊपर से जब पानी गिरता है तो डायरेक्टली नीचे न गिरते हुए धीरे धीरे नीचे आता है। सेम टाइम में यहाँ पे फैन चलते रहता है। फैन बाहर की हवा को खींच के पीवीसी फिलिंग से बाहर छोड़ देता है। पानी स्लोली नीचे आने की वजह से हवा और पानी का कॉन्टैक्ट अच्छी तरीके से होता है, ज्यादा समय के लिए होता है और पानी का इवेपरेशन होता है और इवेपरेटिव कूलिंग से कूलिंग टावर में पानी ठंडा हो जाता है। ये ठंडा पानी नीचे सम में जमा हो जाता है और सम से कूलिंग टावर आउटलेट से वापस कंडेंसर के ट्यूब में भेजा जाता है और इस तरीके से कूलिंग टावर में पानी को ठंडा किया जाता है। अब हम देखेंगे कूलिंग टावर में पार्ट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले मोटर कैप। मोटर कैप बारिश में मोटर को पानी से बचाने का काम करती है। एलिमिनेटर, जब फैन चलता है तो यह फैन बाहर की हवा को सक करता है, लेकिन कूलिंग टावर का पानी भी बाहर निकल के जा सकता है, जिससे कि कूलिंग टावर सम में पानी की कमी हो सकती है। एलिमिनेटर सिर्फ हवा को बाहर भेजता है और पानी को रोकने का काम करता है। स्प्रे नोजल्स और हेडर। हेडर गोल गोल घूमता है और इवेपरेशन के रेट को बढ़ाता है। स्प्रे नोजल्स पानी को स्प्रे करके पानी का सरफेस एरिया बढ़ाती है, जिससे कि इवेपरेशन ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। पीवीसी फिलिंग्स पानी को डायरेक्टली नीचे गिरने नहीं देती, धीरे धीरे पानी नीचे आता है, जिससे कि हवा और पानी का ज्यादा समय तक कांटेक्ट होता है और इवेपरेशन रेट ज्यादा हो जाता है। मेश, फैन जब चलता है तो फैन बाहर की हवा को सक करता है, बाहर की हवा में कचरा होता है। मेश बाहर के कचरे को कूलिंग टावर में आने से रोकने का काम करता है। फ्लोट वॉल। फ्लोट वॉल कूलिंग टावर सम में पानी के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। जब कूलिंग टावर चलते रहता है तो उस वक्त में कुछ पानी इवेपरेशन से लॉस हो जाता है और कुछ यहां वहां गिर के लॉस हो जाता है, उसको भरने का काम फ्लोट वॉल करता है। फ्लोट वॉल मेकअप वाटर से पानी को सम में लेके आता है। ओवरफ्लो कनेक्शन, इन केस फ्लोट वॉल खराब हो गया तो पानी सम में भरते जाता है और सम में से बाहर निकल के यहां वहां बिखर सकता है। ऐसा ना हो इसके लिए ओवरफ्लो कनेक्शन दिया जाता है। जब फ्लोट वॉल खराब हो जाए और पानी के लेवल बढ़ते जाए तो ये एक्स्ट्रा पानी इस ओवरफ्लो कनेक्शन से ड्रेन में चला जाता है, जिससे कि पानी बाहर नहीं बिखरता। ड्रेन कनेक्शन, कूलिंग टावर के सम को अगर साफ करना है तो पानी को निकालना पड़ता है और इस पानी को निकालने के लिए ड्रेन वॉल को खोला जाता है और ड्रेन वॉल को खोल के पानी को हम बाहर निकाल सकते हैं। कूलिंग टावर इनलेट, कंडेंसर से आया हुआ पानी कूलिंग टावर इनलेट से कूलिंग टावर में एंटर करता है। कूलिंग टावर आउटलेट, कूलिंग टावर में जो पानी ठंडा होता है वो आउटलेट से फिर से कंडेंसर में चला जाता है। ब्लीड वॉल, कूलिंग टावर में जब पानी स्प्रे होता है तो पानी का इवेपरेशन होता है। इस पानी में कुछ मिनरल्स होते हैं। जब पानी का इवेपरेशन होता है तो मिनरल्स नीचे सम में आके जमा हो जाते हैं। धीरे धीरे कूलिंग टावर सम में मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है। मिनरल्स का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो मिनरल्स कूलिंग टावर सम में जमा हो जाते हैं और आगे जाके कूलिंग टावर सम में स्केल फॉर्मेशन होता है। कुछ महीनों के बाद में ये जो स्केल है कूलिंग टावर आउटलेट से कंडेंसर के ट्यूब में चली जाती है और कंडेंसर के ट्यूब को वो ब्लॉक करती है। कंडेंसर के ट्यूब को ब्लॉक करने से ओवरऑल प्लांट की इफिशियंसी कम हो जाती है। ऐसा ना हो इसके लिए ब्लीड वॉल दिया जाता है। ब्लीड वॉल को हल्का सा खोल देते हैं। वॉल को खोलने से जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड वाटर है वो यहां से बाहर ब्लीड करना या बहना शुरू हो जाता है और इसकी जगह पे नया फ्रेश वाटर मेकअप वाटर से लिया जाता है। और इस तरीके से ब्लीड वॉल यूज करके हम कूलिंग टावर के सम में मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे एक लैडर या सीढ़ी होती है, ये मोटर और फैन के मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं।
और कूलिंग टॉवर की जो बॉडी है FRP की बनी होती है। FRP मतलब फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, जिससे कि कूलिंग टॉवर के पार्ट्स सड़ते नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हम जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।